Assalamu alaikum students, here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to start our lecture number 4 from chapter number 2, Squares and Square Root. आज हम अपना lecture number 4 start करने जा रहे हैं. Lecture number 4 होगा कि पहले lecture number 3 में जो बातें आप सीख चुके हैं वही बातें आपको lecture number 4 में भी सिखाई जाएंगी, लेकिन थोड़ा advance में चलेंगे. Advance में किस तरीके से चलेंगे कि अगर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में आपने पॉइंट्स वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था, तो अब हम लेक्चर नंबर 4 में रेशनल नंबर के जो कंप्लीट आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स आएंगे उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे. ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे इसको. उसके बाद आपको टेस्ट मिलेगी, 2 चैप्टर्स की कंबाइंड टेस्ट आपसे मिल जाएगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेट सी, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट का ही मिला था, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही मालूम करना है. ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 वो है 2 होल 9 अपॉन 49, 2 होल 9 अपॉन 49. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इस नंबर का क्या करना है, इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, दैट नंबर इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. दिस नंबर कम्स इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज दिस फ्रैक्शन, बेसिकली इन व्हिच होल नंबर एंड वन रेशनल नंबर इज गिवन. देयर आर टू नंबर्स, वन इज होल नंबर एंड अनदर इज रेशनल नंबर गिवन, जॉइंड टुगेदर वी कॉल दैट नंबर इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, तो अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप ये बातें नीचे वाली क्लासेस से सीख के आए होंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट होता है. तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा. हैरिस सॉल्यूशन, 2 होल 9 अपॉन 49. प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 2 को 49 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी ऑन, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 98, 98 में आप ऊपर वाला नंबर करेंगे प्लस, इट मींस 9 हमें क्या करने हैं प्लस. तो यहां पर आपके पास नंबर बन रहा है 9 और 8 आपके बन रहे हैं 17, 1 कैरी ऑन एंड दिस इज 1 प्लस 9 10. तो यहां पर आपके पास ऊपर नंबर रहेगा 107 और नीचे वाला आपको यही डिनोमिनेटर 49 लिखना पड़ेगा. ऊपर वाला नंबर क्या रहेगा आपके पास 107 सेम रहेगा जो आपने मल्टीप्लाई किया. अब आगे क्या करना है, अब आपको करना है 107 डिवाइडेड बाय 49. 107 को 49 के साथ करेंगे डिवाइड, 107 को 49 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर पॉइंट्स में, और वो जो पॉइंट्स वाला आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 2.1836 एंड 73. मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट में आंसर आएगा 107 को जब आप 49 के साथ करेंगे डिवाइड. अब क्या करना है देखिए, अब ये वाला नंबर आ गया आपके पास पॉइंट्स में 2.183673. ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 3 में भी पॉइंट्स वाले नंबर थे, इरेशनल नंबर्स थे आपके पास. आपने क्या किया था, पेयर्स बनाए थे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके. पेयर्स बनने के बाद आपने टेबल्स लगाना शुरू की थी. अगर कोई पेयर वाला नंबर स्टार्टिंग में था तो आपने पूरे पेयर पे टेबल लगाई थी,
अगर सिंगल नंबर आ रहा था आपके पास तो आपने क्या किया, उस सिंगल नंबर पे पहले टेबल लगाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन हमें सिंगल नंबर पर टेबल लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बनाएंगे पेयर्स, ये एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और ये आपके पास चौथा सिंगल नंबर बन गया, ठीक है। तीन पेयर बनेंगे और एक नंबर आपका अलोन रह गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेबल लगेगी इस अलोन नंबर पर टेबल लगेगी, ठीक है। कौन सी टेबल लगेगी, टू पे तो नियरेस्ट टेबल वन की ही जा सकती है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन वन जार वन, ऊपर भी आपके पास वन ही आएगा, ठीक है। बाहर वाले नंबर प्लस कर देंगे, अंदर वाले नंबर कर देंगे माइनस, तो ये होंगे आपके पास प्लस और यहाँ से आपके पास वन बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एक पेयर नीचे उतारना है, एक पेयर नीचे आ गया आपके पास, तो नंबर बन गया आपके पास 118, ठीक है। 118 पर अगेन आपने क्या करनी है, नियरेस्ट टेबल लगानी है, यू हैव टू डू द नियरेस्ट टेबल ऑन 118। तो यहां पर देखिए एक नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है आपको, यू हैव गिवन वन डिजिट ऑलरेडी, सो यहां पर 2 के आगे कौन सा नंबर रखें, 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर यहां पर मिलाएं जिसकी नियरेस्ट टेबल जाए 118 पर। से फॉर एग्जांपल 3 रख के देते हैं, 3 3 9, 2 3 6, 69 मे बी, 4 रख के देखें, 4 4 16, 1 देरी हो, 2 4 8 + 1 9, ठीक है। 5 रख के देखते हैं, 5 5 25, 2 5 10 + 1 12। सो अगर 5 रखा है हमने यहाँ पर 2 के साथ, तो ये इंक्रीज हो रही है, नियरेस्ट नहीं जा रहे, नियरेस्ट टेबल यहाँ पर जा रही है 4 की, तो यहाँ पर हम भी 4 की टेबल ही लगाएंगे, 4 4 96 यहाँ पर आ गया, और ये आपके पास जाएंगे 4 ऊपर, आपकी मर्जी है। पॉइंट एक सिंगल नंबर के बाद है तो आप पहले पॉइंट दे दें या लास्ट में पॉइंट दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन पर, भले आप पहले पॉइंट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 4 की टेबल लगाई, अगेन बाहर वाले नंबर प्लस, अंदर वाले नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे, ये हो गए आपके पास 8, यहाँ पर आ गए आपके पास 2, और ये 118 से 96 जाएंगे तो बाकी बचेंगे आपके पास 4 यहाँ से 18, तो ये बचे आपके पास 22, ठीक है। तो बाकी नंबर्स बच रहे हैं आपके पास 22। अगेन क्या करना है, आपने एक पेयर नीचे उतारना है, एक पेयर आपके पास अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर देखें नंबर आ रहे 2236 और यहां पर आपके पास दो डिजिट है, ये नंबर में थाउजेंड्स में, इट मींस हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसकी इस थाउजेंड वाले नंबर पर नियरेस्ट टेबल जाए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल सेम वे से हम अप्लाई करते हैं यहां पर, ये 2 बचे, यहाँ पर भी 2 और ये 0, ठीक है। तो ये
73 का जब आपने पेयर उतारा तो आपके पास नंबर आ गया 22,773। 22,773 को आप क्या करेंगे, अगेन 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन क्या करेंगे आप, 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी यहां पर देखिए 22,773, अब टेबल किसकी लगानी है, 294 आपके पास एक डिजिट पड़ा हुआ है। जब ये डिजिट आपके पास पड़ा हुआ है तो इसके साथ अगेन एक ऐसा नंबर रखना है आपने जिसकी टेबल इस नंबर पे क्या जाए, नियरेस्ट जाए। चलिए देखते हैं कि कौन सा नंबर लग रहा है यहाँ पर, 294 के साथ अगर हम 6 रख के देखें, ठीक है, 6 रख के देखते हैं कि नियरेस्ट टेबल जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। तो ये 6 आपके पास 36 आ गए, 24 प्लस 1 आपके पास 27 आ गए, एंड 69 का 54 प्लस 2 आपके पास 56 आ गए, एंड 62 का आपके पास 12 प्लस 5 आपके पास 17 आ रहे हैं। तो ये नंबर आ रहा है आपके पास 17,676। चले आगे चलते हैं, दूसरा नंबर रख के देखते हैं इसके साथ, 294 के साथ अगर हम 7 रखें, 294 के साथ 7 रखें, 7 का 49, 4 के लिए 47 का 28 प्लस 2 32, 2 के लिए सॉरी 3 के लिए, एंड 79 का 63, 63 प्लस 3 आपके पास 66 आ गए, अगेन 3 के लिए 6 के लिए, एंड 27 का 14, 14 प्लस 6 आपके पास 20। तो ये नंबर आ रहा है आपके पास 20,329, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 8 की टेबल लगाएंगे नियरेस्ट, से फॉर एग्जांपल अगर आप 8 चूज कर रहे हैं नंबर के, इस नंबर के आगे 8 की टेबल लगे तो ये डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा नंबर। हमें इंक्रीज वाले नंबर की टेबल नहीं लगानी, हमें नियरेस्ट टेबल लगानी है। तो यहाँ पर आपके पास नियरेस्ट अगेन 7 आ रहा है, तो ऊपर भी 7 लिखेंगे आपके पास 20,329, ठीक है। यहाँ पर भी सेम लग लिया, बाहर वाले नंबर प्लस अंदर वाले नंबर माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके पास पेयर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। पेयर्स अगर आप 107 को 49 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आगे चल के खत्म हो रहा है, ठीक है। जब ये नंबर खत्म हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास पेयर्स खत्म हो चुके हैं। जब पेयर्स खत्म हो चुके हैं तो आपका यहाँ पर जो आंसर आया है वो आंसर आया है 1.477, ठीक है। हमें देखिए 1.477 आपके पास 2 टाइम्स है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.47 प्लस, राउंड ऑफ करेंगे, नंबर 5 से ग्रेटर है तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 1.48। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है। होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर डिवीजन में उसका आंसर निकालेंगे पॉइंट्स में। जब आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा तो अगेन आप इजीली उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 2.183673 का जो निकल रहा है यहाँ पर वो है आपके पास 1.478 राउंड ऑफ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास 7 होल 9 अपॉन 16। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें ये बात सीखी कि अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला हुआ है तो उसको कन्वर्ट करें प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहां पर आपके पास 7 16 हो रहे हैं, अगर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, तो ये आ रहे हैं आपके पास 16, ठीक है। 16 7 का होते हैं 112 में अगर प्लस करें आप 6, सॉरी 112 नहीं होंगे, यहां पर 9 है, ठीक है। 112 में अगर आप 9 प्लस करें तो आपके पास आ
इट मींस जो ऊपर वाला नंबर आएगा आपके पास वो आएगा 121 और नीचे आपके पास 16 पड़े हुए हैं। ये नंबर आ गया आपके पास प्रॉपर कलेक्शन में, ठीक है 121 और नीचे आपके पास 16 पड़े हुए हैं। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। यहां पर एक और बात सीखने को मिल रही है कि अगर ऊपर और नीचे वाले नंबर की टेबल्स नहीं लग रही आपस में, जैसे जो पिछला क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस तरह से था 107/49, ठीक है ना, तो 107 कंप्लीट स्क्वायर ना आपके पास 49 कंप्लीट स्क्वायर। अगर 49 कंप्लीट स्क्वायर है भी सही तो आपके पास 107 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या किया हमने 107 को 49 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ रहा था पॉइंट्स में। सेम वे से आप 121 को 16 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा पॉइंट में ही आएगा। लेकिन यहां पर देखें 111 का 121 और 16, 121 को अगर LCM में स्क्वायर रूट निकालें तो इस पे कंप्लीट 11 की टेबल जा रही है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो ये 11 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट। 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालें तो 16 पे 4 की टेबल 2 टाइम्स जा रही है तो 16 का स्क्वायर भी 4 निकल रहा है आपके पास। इट मींस यहां पर अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें 121/16, ठीक है स्क्वायर रूट में दोनों को रख दिया, जब दोनों को आपने स्क्वायर रूट में रख दिया तो अब देखें दोनों को आपने स्क्वायर रूट में रख दिया, मैं यहां पर अगेन लिख रहा हूं 121/16। इस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, आपने इनको स्क्वायर रूट में निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो 121 है वो 11 चार हो रहे हैं और जो 16 है आपके पास वो 4 हो रहे हैं, ठीक है। सेम वे से आपको करना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि ये जो स्क्वायर रूट वाली सिंबल है इसके अंदर दो डिजिट एक जैसे नहीं रहते, तो क्या होता है एक डिजिट बाहर आ जाता है, 11 बाहर आ गए नीचे से 4 बाहर आ गए, ये इसका आंसर है। ये क्या है, इसका आंसर आ गया सिंपली अगर आपके पास स्क्वायर रूट नहीं निकल रहे नंबर्स के डिजिट्स के, अगर आपके पास स्क्वायर रूट्स नहीं निकल रहे तो आप क्या करेंगे डिवाइड करके आंसर पॉइंट में निकाल के देन में स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर ऊपर और नीचे वाले नंबर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स आपके पास कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो सिंपली आप क्या करें उनको एलसीएम निकाल के पेयर्स में तोड़कर उनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी के दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाते हैं वो भी आपको इसी नमूने से चेक करने पड़ेंगे 3 और 4, ठीक है। एक्सरसाइज है आपके पास 2 और बुक पेज है इसका, बुक पेज है इसका 30, ठीक है। तो रिमेनिंग जो आपके पास 2 क्वेश्चन है वो आपको जाएंगे होमवर्क में, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, कोई भी बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मजीद क्वेश्चंस हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।